चलते खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में हम देखते हैं, और आप यूपीएससी का सपना लेके दिल्ली आई हैं, पैसे खर्च कर रही हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, आपके पेरेंट्स की, और या दूसरे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँ, और मुझे यहाँ पे लगता भी है कि मैं फोकस होकर पढ़ाई कर सकती हूँ। और सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बाहर निकालें, अपनी लड़कियों को बाहर निकालें, और उन्हें ये कॉन्फिडेंस दे कि वो बाहर रह के भी कुछ कर सकती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है महिलाओं को आज़ाद करने का, और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। इस लड़की ने शब्दों में बयान कर दिया है कि महिलाओं को ज़रूरत है, लड़कियों को ज़रूरत है कि वो घरों से बाहर निकलें, समाज को अच्छा योगदान दे सके। मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आई हैं, किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम हुआ? मेरा नाम अंसारी शगुफ्ता शफीक है, और मैं यूपी से आई हूँ, बिजनौर से, और ये मैंने यूपीएससी की स्टडीज़ जस्ट अभी स्टार्ट करी है, और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत बेसिक से पढ़ाया जाता है। और जब मैं यहाँ आई थी, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में मेरे कज़न से पता चला है, सर ने जो यहाँ के इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम कंडक्ट किए थे बिजनौर में, मैंने एग्ज़ाम्स दिया, उसमें मैं क्वालिफाई हुई और यहाँ पर एडमिशन हुआ। मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पर, उन्होंने सर से बात करी, हैदर सर से, वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने समझाया, यहाँ का एनवायरनमेंट मेरे पेरेंट्स को सेफ लगा, सिक्योर लगा, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आके यहाँ पे पढ़ सकूँ। आपने किस तरह से अपना सफ़र किया है और यहाँ तक पहुँची हैं? यूपीएससी का सपना बहुत बड़ा होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक आईएएस और आईपीएस, आपको ये हिम्मत कहाँ से आई, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इतने बड़े सपने को लेकर आप दिल्ली पहुँची हैं? मोटिवेशन मुझे हैदर सर से मिला था, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया, मुझे यूपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, उन्होंने हर एक जो भी यहाँ पे स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम्स के, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हम हार्ड वर्क करें और स्टडीज़ को डेडिकेटेड रहे तो हम बहुत ईजीली जो है ये एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन कितना शानदार काम कर रही है, लोगों को, महिलाओं